Welcome back to my channel. My name is Shruti and for today's Chopra. और आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ प्रैंक। तो होगा क्या कि इस चेहरे पे मैं करने वाली हूँ बहुत ही गंदा वाहियात और हॉरिबल सा मेकअप, और उस मेकअप के साथ मैं जाऊंगी अपनी मम्मी और दीदी के पास और ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि ये जो मैंने मेकअप किया है वो करके मैं कोई यूट्यूब वीडियो शूट करने वाली हूँ या फिर जो भी है, मतलब उनको तो दिख ही जाएगा ना कि मैंने कितना गंदा सा मेकअप किया है, ऐसा कभी नहीं करती है या फिर जो भी है। तो उनका रिएक्शन देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हंसते हैं, वो मुझे मना करते हैं कि ऐसे चेहरे के साथ यूट्यूब पे मर जाओ, लोग हंसेंगे। वैसे भी आप तो देख ही लोगे मुझे गंदे शक्ल के साथ, तो एक तरीके से ये आप देख ही लोगे। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो और गाइस मैं फर्स्ट टाइम प्रैंक कर रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। तो गाइस आप सबको तो पता ही है मैं कितनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे मेकअप अच्छे से नहीं आता है। तो मेरे पास ये दो ही पैलेट है जो मैंने जिंदगी में ली है, तो मैं इससे ही अपना सबसे पहले आई मेकअप करने वाली हूँ। और अगर किसी को ट्यूटोरियल चाहिए तो देख सकते हो आप, क्योंकि मैं बहुत अच्छा मेकअप करने वाली हूँ। तो आई थिंक मैं सबसे पहले ये ब्लैक टाइप का कलर लेने वाली हूँ और अपनी आंखों पे लगाऊंगी। ओह क्या करता है रे तेरी? ओह स्मोकी आई देख रहे हो मेरा? मैं थोड़ा ना पास आके कर लेती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ब्लू वाला कलर एंड इससे भी हम लोग थोड़ी बहुत सुंदरता बढ़ाएंगे अपनी आंखों की। पता नहीं क्यों बट ये नीलगाय इंस्पायर्ड मेकअप करते वक्त मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरा आई शेडो तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं करूंगी अपने ब्राउज। तो मेरे पास कुछ है नहीं वैसा जो कहते हैं ब्राउजर वगैरह, तो मेरे पास एक काजल है तो मैं काजल से ही करूंगी। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होता है तो उससे कुछ भी मिल जाए वो कर लेता है। डायन लग रही हूँ यार मैं। अपने गालों को थोड़ा गुलाबी रंग देने के लिए मैं लगाऊंगी ब्लश, थोड़ा नहीं एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा। क्योंकि आई मेकअप वगैरह बहुत हैवी हो गया तो आई थिंक लिपस्टिक थोड़ा सा सिंपल रहना चाहिए। यार आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मुझे थोड़ा सा ये आईशैडो ना ब्लेंड कर लेना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि हाँ ये रियल में ऐसा कुछ कर रही है, नहीं तो ऐसे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये सच में प्रैंक है। तो मैं आपसे इसे थोड़ा सा रिमूव करके मिलती हूँ। तो गाइज मेकअप हो चुका है रेडी और अब आ रही है प्रैंक को अंजाम देने की। तो मैं कैमरा लेके बाहर जा रही हूँ और मैं ऐसा कुछ प्रिटेंड करूंगी कि मैं इंट्रो ले रही हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के लिए या फिर कुछ भी ऐसा बोलूंगी, हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल जो भी हो, और देखती हूँ कि अगर मम्मी आती हैं वैसे देखती हैं कैसे देखती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मम्मी जरा कैमरा पकड़ लीजिएगा, इंट्रो लेना है। दो अरे यार आप पता नहीं क्या पड़ गया क्या हुआ क्या हुआ? वीडियो बनाओगी? हाँ आज YouTube से देख के मेकअप क्यों अच्छा लग रहा है ना ये रहा क्या यार पहले चेहरा सही करो अपना अच्छा नहीं लग रहा यार, दो घंटे से मेकअप किए तो सुंदर लग रहा है बस कोमिलका लग रही कोमिलका क्या मम्मी यार अच्छा नहीं लग रहा है बस सुंदर है अरे वाह अब हम नहीं हंसेंगे इतना अच्छा लग रहा है बाबू हाँ जल्दी चेहरा धुलो अपना यार अच्छा तो है
कितना सुंदर लग रहा है यार। तो गाइस मम्मी को अभी भी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये प्रैंक है, उन्हें अभी भी लग रहा है कि मैंने गंदा सा मेकअप किया और उन्होंने मुझे डांट के रूम में भेजा है कि इसे साफ करो। तो अब बारी है दीदी की, वो अभी बाथरूम गई है, मैं उसे बुलाने वाली हूँ कोई बहाना करके और फिर उसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। दीदी दीदी ये देखना जरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, देखना जरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। चश्मा नहीं लगाई हो? नहीं। रो रही हो तो क्या कियो ये? अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ऐसे तो दिखा रहा था स्मोकी आई ब्लू वाला, देखो ऐसे ही दिखा रहा था ना उस दिन साथ में भी तो देख रहे थे। हार्ट बीट छुआ मेरी। अरे यार मैं तो तेज डरा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तुम वीडियो शूट कर रही हो ऐसे ही? तब कैमरा बंद कर पहले। वीडियो शूट कर रही हो क्या? तो क्या हुआ इसमें? इतना सब बोलते हैं कि दीदी आप मेकअप ट्यूटोरियल लगाया करो तो कर रहे मेकअप ट्यूटोरियल। अरे ये क्यों? प्रैंक था चले कर खोपड़ी तोड़। अरे भाई साहब तुमको मतलब मेरा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसे? जी यार वही तो। मम्मी मेरी रिपब्लिक भारत देख रही हैं। मम्मी सुनिए ऑफ करिए जरा ये जो, सुनिए जरा मेरा ये जो मेकअप था ना वो मजाक था, देखने दो हमको। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मम्मी का तो हंसते हंसते हालत खराब हो गया था और दीदी हंसते हंसते रो देती थी, वो जब भी बहुत ज्यादा हंसती है तो वो रोने लगती है। तो आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप और ये प्रैंक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो आपको मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया इस प्रैंक में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।